फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ गीवा का पैकेट पड़ा हुआ है, तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। अनबॉक्सिंग नहीं, पहले से ही मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया, लेकिन मैं कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैं जब गीवा का फर्स्ट परचेज कर रही थी तो मुझे डाउट्स थे, और मैं यूट्यूब चैनल पर गई थी बहुत सारे पे जिन्होंने गीवा का रिव्यू दिया था, वहाँ पर मैं ढूंढ रही थी कुछ डिटेल्स जो कि मुझे नहीं मिले, जो कि इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले पैकिंग देख लेते हैं कि इनकी कैसी है। तो ऐसे कुछ कार्ड्स देते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ, डियर गीवा, थैंक यू फॉर लेटिंग अस इनटू योर ब्यूटीफुल लाइफ, और ऐसे कुछ कोटेशंस वगैरह है। 15% का ऑफर भी है, ये एक चीट कोड है, तो आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट परचेज किए ही। तो ये जो परचेज करते हैं उनको 50% का ऑफ मिलता है ये कोड यूज़ करने पे, लेकिन आपने परचेज नहीं किया है फिर भी आप ये वाला कोड यूज़ करके 15% ऑफ ले सकते हैं, नो कंडीशंस अटैच्ड। तो ये डायरेक्ट 15% ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपको कोड देखना है तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए, को क्रिएट है कोड। और एक ऐसा कार्ड मिलता है जिसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। ये हमारा मेन बॉक्सिंग है, ये हम मेरा बिलिंग है, तो इसमें ऐसा बिल देते हैं ये लोग। ऐसी पैकिंग है, ये पहले रिबन आती थी, मैंने वीडियोस में देखी है ये रिबन होती थी, अब ये कार्डबोर्ड की है, मतलब पेपर की है। और यहाँ पे आपका एक मैग्नेटिक वाला बॉक्स आ जाता है जो कि यहाँ पे मैग्नेटिक लॉक है। ओपन करते एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी आता है, इसमें लिखा हुआ है कि 925 स्टर्लिंग सिल्वर का बना हुआ है और इसका ये सर्टिफिकेट है। ये आपके ज्वेलरी का प्रोटेक्शन कवर है, ऑथेंटिक एंड हॉलमार्क सिल्वर क्रिएटेड बाय यू, ऐसा है। और ये पेंडेंट सेट मैंने मंगवाया था, ये रोज गोल्ड में है, और ये इयररिंग प्लस पेंडेंट साथ में चेन, ये चार चीजें हैं, मतलब पेंडेंट, चेन साथ में और इयररिंग्स। तो ये कुछ ऐसा है। इसके साथ में अंदर में एक छोटे से एनवेलप में कुछ एक्स्ट्रा वो दी गई हैं, मतलब पीछे में जो लगाते हैं इयररिंग के, तो वो ये प्लास्टिक की है, और हमें जो इयररिंग के साथ मिली है वो आपका सिल्वर का ही है। तो मैं इसको ओपन करके एक बार दिखा देती हूँ। ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं, और इनके जो ये जो आपका चेन है ये भी बहुत ही लाइट होता है। ये फैशनेबल ज्वेलरीज होती हैं इसलिए इनको बहुत ही लाइट बनाते हैं, बल्कि नहीं होता, और ये लाइट है और इस वजह से ही ये बहुत ही वीक होते हैं, इनको ज़्यादा आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा है ये। काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो इसमें मुझे क्या नहीं मिला था और क्या चीज़ के लिए मैं ढूंढ रही थी और क्यों ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं इसके इंस्ट्रक्शंस ढूंढना चाहती थी, और कि ज्वेलरी के यूज़ करने के क्या रूल्स हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मुझे नहीं मिला था। तो इसका ये आप कोई भी केमिकल, कोई भी परफ्यूम, कुछ भी आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये वॉशेबल भी नहीं है, वाटर ह्यूमिडिटी से बचा के रखना है, प्लस ये टूट भी सकता है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। एक लिंक है जहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस मेंशनड है, तो उसमें सारा लिखा हुआ है कि इसको स्टोर करना है जो बॉक्स दिया गया है उसी में, या फिर एक प्लास्टिक की ऐसे टाइप की कोई भी पैकेट हो उसमें स्टोर करना है। और इसको परफ्यूम, सोप, वाटर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, या कोई भी केमिकल टाइप की चीज़ या एसिडिक कोई कुछ भी, उससे इसके कांटेक्ट में नहीं लाना है, नहीं तो इसके पेंट जा सकती है, बिकॉज ये रोडियम की कोटेड होती हैं, क्योंकि ये सिल्वर है और ये रोज गोल्ड कलर का है, तो रोडियम की कोटिंग होती है वो निकल जाएगी अगर आप सोप यूज़ करेंगे, वाटर यूज़ करेंगे। तो ये ब्रेकेबल भी है, और इसको ज़्यादा खींचने पे, क्योंकि ये बहुत पतली है चेन आप देख सकते हैं, तो इसको ज़्यादा खींचेंगे तो ये टूट भी सकती है। और इसको रीपॉलिश करने का भी वहाँ पे मेंशन है कि अगर आपको रीपॉलिश कराना है तो आप पास के स्टोर में रीपॉलिश करा सकते हैं, या गीवा के लिंक पे जाके वहाँ से रीपॉलिश का ऑप्शन है। मैं चेन की लॉक दिखाना चाहती हूँ, तो ये ऐसी वाली लॉक है, और यहाँ पे बहुत सारा होल दिया गया है, मतलब लूप्स हैं, तो आप एडजस्ट करके इसका लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं।
तो कोई छोटा करके पहनना चाहता है तो वो पहन सकता है, कोई बड़ा करके पहनना चाहता है तो वैसे भी पहन सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को इसी तरह के और वीडियोस देखते रहने के लिए। मैं जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेम्बर आई लव यू ऑल।